की दया राधा स्वामी सहाय राधा प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों आप में से काफी तो दोलाबाड़ी भी गए होंगे दो सत्संग वहाँ हो चुके हैं आज ये तीसरा दिन है सत्संग का और अभी जब तक हैं रोज़ाना ही लगभग आपको सत्संग कार्यक्रम मिलते रहेंगे ज़्यादा दूर नहीं आसपास में ही आपके कोई बीस किलोमीटर पे कोई पचास किलोमीटर पे ज़्यादा ज़्यादा और साठ सत्तर पे होंगे तो ज़्यादा दूर हो तो फिर तो आदमी को सोचना पड़ता है लेकिन यहाँ तो आप आराम से जा सकते हो और सत्संग लाभ उठा सकते हो वाणी कल के सत्संग में जैसे मैंने बताया था धोला में सुनते हो तो उस बाणी को सुन के उस पर अमल किया कर। बाणी ही इंसान के जीवन को सुधारती है क्योंकि उस वाणी में हर तरह की शिक्षा हमारे उपयोग की बातें सब प्रकार की हमारे सुधार की कल्याण की समझ की किसी भी कार्य को करने के लिए जिन बातों की ज़रूरत होती है वो हमें सत्संग के माध्यम से ही मिलती है भक्ति करने का तरीका भी जैसे पहले दो मेरा ही था वो बड़ी गहराई से अगर सोचोगे तो बहुत सब कुछ दो ही लाइन में कह दिया लेले शरण गुरु की भाई लगे खास ये मौका है जिस प्रकार से जिस लड़की की शादी नहीं होती पति के साथ मेल नहीं होता तो उसको ना तो जीवन में खुशी मिलती है ना वो संतान पैदा कर सकती है और उसको पता ही नहीं लगता कि जीवन का आनंद क्या है इसी प्रकार से अगर हमें मनुष्य की योनि तो मिली लेकिन अगर गुरु की शरण नहीं मिली तो हमारी उस लड़की जैसी ही अवस्था है कि लड़की होने के बाद उसकी शादी ना होना कुंवारी रह जाना तो कुंवारी रहेगी तो निस्सन्तान भी रहेगी तो उसका जीवन आधा अधूरा हो जाता है इसी प्रकार से इंसान का जीवन जो गुरु की शरण ले लेता है तो उसका जीवन पूरा हो जाता है शरण लेने का मतलब क्या है शरण क्यों लेनी चाहिए गुरु की जिन गुरुओं का जिक्र है वो गुरु तो हमें दुनिया में जन्म से लेके मृत्यु तक सिलसिला चलता ही रहेगा किसी के गुरु हम बनेंगे कोई हमारा बनेगा लेकिन यहाँ शरण गुरु की लेने का मतलब है सतगुरु की शरण लेना सतगुरु हमें हमारे जीवन के कल्याण की बात मनुष्य जीवन का जो ये अवसर मिला है उसको सुधारने की बात जो दूसरी लाइन में कह दी कि ये अवसर हमें इसलिए मिला है कि हम भक्ति करके अपने जीवन को सफल करें ये नहीं है कि जीवन का मतलब यही है खाना पीना सोना ओढ़ना पहनना ये क्या खास बात है चौरासी लाख योनि में कितने जीव जंतु कीट पतंगे पशु पक्षी जानवर हैं वो भी सब इसी तरह ही खाते पीते और अपना जीवन यापन करते हैं इंसान को जो विशेष खूबी मिली है वो यही है कि किसी भी योनि में जीव जाता है जन्म माँ बाप के द्वारा होता है मात पिता मिल जाएंगे लक्ष्य और माँ गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की ना ये चौरासी लाख प्रकार की जो योनि हैं उनमें मात पिता तो जरूर मिल जाएंगे जन्म मां बाप के ही द्वारा होगा लेकिन गुरु की सेवा और बंदगी बंदगी मालिक की और गुरु की सेवा गुरु की शरण गुरु की शरण के बिना परमात्मा की बंदगी कैसे करेंगे उसका भेद देने वाला नहीं है इसलिए इस मानव चोले की कीमत इसलिए है कि इस रूप में हमें गुरु मिलता है जो गुरु हमारी तरह रहता है हमारी भाषा बोलता है और उसका रहन सहन उसकी आदत सब हमसे मिलती हैं इसीलिए वो उस तरीक़े से हमें उस मालिक की बंदगी का भेद बता के हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा करवा देता है दूसरी योनि है वो तो बेचारे मजबूर हैं उनका गुरु नहीं है कोई भी ना गुरु होता उनका तो वो तो भोग हैं है उस जिस योनि में भी जाते हैं वो अपने जैसा भी उनके जीवन में कोई घास खा के वनस्पति पे गुजारा करता है कोई एक जीव दूसरे पे गुजारा करता है अब उनकी हालत देखो सर्दी गर्मी बरसात है आंधी तूफान में उन जीवों को मरते हुए देखते हो कष्ट भोगते देखते हो वो छट पटाते हैं उनको कोई आसरा नहीं मिलता लेकिन इंसान को जो ज्ञान बुद्धि विवेक और विचार दिया मालिक ने इन चीज़ों से ऐसा नवाजा है कि उनको पाके और ये अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता है तो वो चीजें इसकी इस काम किए बर्बाद कर दी इन तोहफों से परमात्मा ने इसको इसलिए नमाजा था कि तू उसे बुद्धि से ज्ञान से अपना विचार करके और अपने जीवन को सफल करना अवसर ये था लेकिन हम नासमझी के कारण नासमझी हुई कैसे कि हमारा जीवन यहां काल और माया के हवाले है काल समय को कहते हैं जो चलता ही रहता है किसी का इंतजार नहीं करता रुकता नहीं है वो उस काल को तीन भागों में बांट दिया गया एक भूतकाल जो बीत चुका है एक भविष्य काल जो आगे आएगा और एक है वर्तमान काल जो बीत चुका है उसको आप वापस नहीं ला सकते हो गया उसमें तुमने अच्छा किया बुरा किया पाप किया पुण्य किया दुख भोगे या सुख वो गया और आगे के लिए कल्पना अगर करते हो तो उसका भी पता नहीं है वो कब आएगा और आया तो क्या पता वो क्या नई आफत लेके आएगा तो कौन सा काल हमारे लिए है वो काल जो अब है वर्तमान काल जिस काल में हम जीते हैं ये काल मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से बताया करता हूं कि हम इस वर्तमान काल में ही तीनों काल जी लेते हैं पीछे जो किए हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमने क्या गलतियां की थी और आगे आने वाले के लिए वो है कि अब जो करेंगे वो परिणाम हमारा वही होगा जो अब करेंगे तो जो कुछ हमें करना है वो करने वाला इस काल के वर्तमान समय में ही अपना सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जो लोग इस मानव चोले की कीमत नहीं समझते कोई शराब में कोई कबाब में कोई जुआ खेलने में कोई और गंदी आदतों में पड़ के अपना समय भी बर्बाद करता है जीवन को भी बर्बाद करता है और वो सज़ा का हकदार बन जाता है क्योंकि जो काम करने चाहिए थे उसने नहीं किए जिस उद्देश्य के लिए आया था वो भूल गया और उसके बुलाने में किसने योगदान दिया माया ने माया चीज क्या है दुनियादारी में माया कहते हैं धन दौलत को पैसे को लेकिन माया वो चीज नहीं है माया जिस चीज में जिस चीज का होना है वही माया है वो माया अनेकों रूप धर के इस जीव को ठगती है महापुरुषों ने साक्षात तो उसको देखा है जब आप भी देखते हो लेकिन वो विवेक वाली आँख हमने खोली नहीं है विवेक वाली आँख कौन सी है जिसमें इंसान ये सोच ले कि मेरा हित किसमें इसमें है या इसमें है हित भी सोचना चाहिए किस प्रकार से एक किसी को कष्ट देके, धोखा देके अपना हित पूरा करते हो तो पाप कर्म में शामिल हो जाते और एक हित निस्वार्थ भाव से तुम अपनी मेहनत से करते हो सच्चाई ईमानदारी से करते हो सही रास्ते पे चल के करते हो वो तुम्हारा कल्याणकारी हो जाता है इसलिए किसी को कष्ट दिए बिना अपने जो हित की बात है उसको तुम करते हो अपने विवेक को जगा के करते हो वो आदमी कभी भी पाप कर्म में यह इन गंदी आदतों को नहीं लगाता जिसके कारण उसका जीवन बर्बाद होता है इसलिए संत लोग कहते हैं कि तुम अगर अपना अच्छा चाहते हो तो दूसरे के प्रति अच्छा करो क्यों कि अगर दूसरे को अच्छा करते हो दूसरे का अच्छा नहीं करते कर्म तुम करते हो जो कर्म करते हो उसका परिणाम बनता है तुमने किसी का अच्छा किया है तो अच्छा परिणाम हो गया उसका कोई दखल नहीं किसी की काम जो कर दिया तुमने अच्छा कर दिया कोई रोक नहीं सकता उसका अच्छा परिणाम मिलेगा आपको एक विद्यार्थी समय पर अपनी पढ़ाई का काम करता है अच्छे अंक लेगा किसान खेत में मेहनत करता है उसको अच्छा अपनी फसल का मूल्य प्राप्त होगा व्यापारी लोग अपने समय पर दुकान कारोबार काम करने वाले समय पर उठते हैं समय पर काम करते हैं उसको अच्छी तरह संभालते हैं देखते हैं उसका कारोबार सही चलता है लेकिन कोई किसी दूसरे के भरोसे छोड़ के आ, सोचे कि मेरा ये काम सही हो जाए और अच्छा हुआ तो विवेकपूर्ण बात नहीं है वो उसकी गलत फहमी है वो उसकी लापरवाही है उसकी मगरूरी है जितने भी हम गलत काम करते हैं हमारी लापरवाही और मबरूरी के कारण होते हैं हम अपने हित को नहीं छोड़ते लेकिन उस हित को नहीं मानते हित सर्वोपरि रखो कोई बात नहीं सब रखते हैं स्वार्थ सब करते हैं स्वार्थ के बिना इंसान कोई काम ही नहीं करेगा लेकिन अति लालच ना करिए आप स्वार्थ करते हो लेकिन स्वार्थ निस्वार्थ भाव से काम करिए उपकार करिए दूसरे का हित करो भलाई करो तो काम तो तुमने किया उसका परिणाम जो बनेगा अच्छा बनेगा बुरा करोगे तो भी काम किया उसका बुरा बन गया अब वो मुड़के नहीं आ सकता कर दिया अपने भूतकाल की बात है पछतावा नहीं उसे समझ ले लो कि मैंने गलती की थी और उसका परिणाम मिलेगा सुधार करोगे तो वो भी माफ होता चला जाएगा क्योंकि आदमी को समझ जब आ जाती है तो उसकी परेशानी चली जाती है समझ जब तक आती नहीं परेशानी जाती नहीं है तो माया क्या खेल खेलाती है माया और मन दोनों मिलके फिर इस मन अपने इंद्रियों के द्वार पे बैठ के कभी कुछ सोच आदमी को किसी रास्ते पे ले जाता है कभी किसी पे ले जाता है भटका देता है सही रास्ते पे नहीं चलने देता और जब वो हम कोई भी काम अच्छा करना चाहते हैं और उस काम में जब किसी भी चीज की बहुतायत होनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि कोई ना कोई गड़बड़ शुरू हो चुकी है हमारे साथ माया ने खेल खेल दिया महापुरुषों ने कही है कि पानी बाट नाव में घर में बाट डो दाम दोनों हाथ होनी चाहिए यही सयानों काम और गृहस्थियों के पास ज़रूर से ज़्यादा धन हो जाता है तो वो उनको अभिमानी बना देती है लालची बना देती है स्वार्थी बना देती है और वो फिर दूसरे इंसानों को इंसान नहीं गिनता और उस बुराइयाँ आ जाती हैं तो वो माया का तासीर क्या है माया की तासीर यह है या तो उसको जुआ खेलना सिखा देगी या उसको झगड़े मुकदमे करवा देगी या वो कोई शराब कबाब या और दूसरी बुरी आदतों में लगा देगी या फिर उसके घर में वो अब किस काम में जाएगा जो पैसा पुण्य के कार्य में नहीं लगाते अच्छे काम में नहीं लगाते हो तो या तो चोर ले जाएंगे या उसको डॉक्टर बैद हकीम ले जाएंगे रोग लग जाएगा या वो कोई ना कोई और ऐसी घटना होगी प्रकृति की ओर से वो किसी न किसी रूप में चला जाएगा रहेगा नहीं ये उसकी तासीर रुकता नहीं है महापुरुषों ने इसीलिए साक्षात उसको देख के कहा कबीर साहब के सामने अनेकों ऐसे मौके आए दो वक्त की रोटी नहीं मिली कबीर साहब को सत्संग करते थे बैठे बैठे परेशान हो जाते थे कि संगत आ गई संगत को मैं क्या दूंगा भंडारे में क्या खिलाऊंगा मेरे पास घर में तो कुछ भी है नहीं लेकिन परवाह नहीं की इतवार और विश्वास दर्द रखा कि मैं कोई गलत तो करता नहीं लेकिन उस मालिक की मर्जी लेकिन कई बार वो भी इसको देख के लड़खड़ा गए थे और उन्होंने वो भी करने के लिए मजबूत ने ये रूप दिखाने शुरू किए तो समझ गए कि ये खेल माया का है ये काल का है ये मन का खेल ये जीव को भरमाती है ये चीजें कैसे भरमाती हैं? कि किसी न किसी चीज में जीव को डाल देती है किसी को लोभ में किसी को काम में किसी को क्रोध में किसी को अहंकार में किसी को स्वार्थ में इसीलिए इनको पांच दुश्मन माना गया है काम क्रोध लोभ मोहंकार को काम बहुत बड़ा दुश्मन है काम कामनाओं को कहते हैं काम काम सभी कहे काम ना चीन कोई जितनी मन की कल्पना और काम कहावे का सोए काम एक चीज का नाम नहीं है काम वही काम है जो भी हम कामना करते हैं मन में जो भी कल्पना करते हैं जो भी सोच करते हैं वो सभी काम है जब मन में कोई कल्पना और सोच करते हैं काम ना करते तभी वो काम अपने शरीर के द्वारा हम कर पाते हैं तो इसलिए काम बहुत बड़ा दुश्मन है उससे बचना चाहिए क्रोध काम करना चाहिए क्या काम करना चाहिए अपने रोजी रोजगार का, का काम करना चाहिए बच्चों का लालन पालन सही करना चाहिए समय पर उठना सोना बैठना जितने दुनियादारी के कर्तव्य हैं हमारे फ़र्ज़ वो सभी काम हमें ठीक ढंग से और सही तरीके से करने चाहिए तो काम उनके लिए बुरा नहीं है बुरा उनके लिए है जो कामनाओं में डूब जाते हैं क्रोध क्रोध भी एक ऐसी चीज है कि ये जला के भस्म कर देती है इंसान को जब क्रोध आता है आदमी की बुद्धि विवेक विचार सब खत्म कर देती है उसके सामने एक ही चीज़ रह जाती है ये क्रोध के बस नहीं देखते कितने लोग जो है अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं या किसी दूसरे को ख़त्म कर देते हैं या और बहुत बड़े बड़े ऐसे कार्य कर बैठते हैं कि जो नहीं करने चाहिए तो उस क्रोध का क्या लेकिन क्रोध करना चाहिए कैसा क्रोध करना चाहिए क्रोध अपने आप पर करना चाहिए कि प्रभु की भक्ति नहीं करता जिस काम के लिए दुनिया में आए थे वो काम हमने नहीं किया क्रोध अपने आप पर करो क्रे करना क्या था और कर क्या रहे हो अपने मन पर क्रोध करो अपने बुरे कर किए हुए पर क्रोध करो अपनी निर्बलता दुर्बलता और जो हमारी मन की भावनाएं हैं उन पर क्रोध करो जो हमारे अच्छे काम की ओर नहीं चलती हैं लोभ लोभ भी किस चीज़ का करो दुनियादारी की चीज़ों का लोभ संग्रह करके क्या करोगे सब यहीं छोड़ के जाना है या तो उन चीज़ों किसी को दे दो नहीं देते हो तो छोड़ के जाओगे तुम्हारे साथ तो जानी नहीं है कोई भी जो तुम्हारे साथ नहीं जानी उनका संग्रह करने का क्या फ़ायदा है इसलिए उनको बांट दे तो अच्छा है जाने से पहले दे देना चाहिए लेकिन अगर भूल जाओगे नहीं दे, दे दोगे और वो जब बुलावा आ जाएगा अचानक तो किसी को बता भी नहीं पाओगे मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसी चीजों का लोभ करने से क्या फायदा लोभ करो किस चीज का मालिक के भजन का भक्ति का कि आप मैं थोड़े समय के लिए करता हूं आगे से और ज्यादा बढ़ाऊं लोभ करना चाहिए सुमर्ण करने का ध्यान करने का लोभ करना चाहिए नेक कर्म करने का ऐसे लोभ भी बन जाओ कि ज्यादा से ज्यादा मोह के बंधन में ना पड़ो और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है काम में दस हजार हाथियों का बल है अकेले काम में लोभ में बारह हजार हाथियों का बल है मो में बीस हजार हाथियों का बल है लोभ में तीस हजार हाथियों का बल है और अहंकार में अकेले में बहत्तर हजार हाथियों का बल है इन पांचों में इतना इतनी ताकत लिए हुए हैं एक हाथी भी काबू नहीं आता तो इतने इतने हाथियों की ताकत वाली चीज हमारे अंदर में जो रोजाना हम जिनसे टक्कर लेते हैं वो हमें कैसे जीने देंगे इसलिए कही कि शरण गुरु की ले ले भाई लगे खास ये मौका है ये इंसान का चोला बार बार थोड़ा मिलता है बहुत जन्मों के हमारे नेक पुण्य कर्म हुए थे जब इंसान का चोला मिला देवी देवता भी सोचते हैं कहते हैं याचना करते हैं कि हे है मालिक कभी हमें भी मौका दे दे इंसान बन जाए इंसान देवताओं की पूजा करता है देवता क्यों चाहते हैं ऐसा कि इंसान वो कर्म भूमि है जो भक्ति करके प्रभु के चरणों में जा सकता है देवता वो नहीं जा सकते वो उनके वो कर्म भूमि नहीं है उनकी उनकी भी भोग भूमि है कितनी बार इंद्र को क्या बनना पड़ा और किसी को क्या बनना पड़ा अलग अलग योनिया उनको भी मिली है वो भी अपने कर्म के अनुसार कर्म करते आए दस अवतार ब्रह्म के कहते हैं कभी राम रूप में आए कभी कृष्ण रूप में आए कभी कच्छ रूप में आए कभी मत्स्य रूप में आए कभी बड़ा रूप में आए आए कि नहीं आए इसलिए कबीर साहब ने कई पिया खोजत बिरमा थके सुर नर मुनि देवा कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा सतगुरु को सर्वोच्च माना अरे उसको खोजने के लिए ब्रमा विष्णु महेश भी खोजते खोजते रह गए ता खोज थक गए ता खोजत ब्रमा थके सुर नर मुनि देवा सुर नर मुनि देव सब कबीर साहब कहते हैं सहज में मिल जाएगा सतगुरु की सेवा करो इसलिए दूसरा हमें मौका मिला कि इंसान का चोला मिला बड़े पवित्र और शुभ कर्मों के कारण और उससे भी बहुत ज्यादा शुभ कर्म थे तो सतगुरु मिला हमें और उनसे भी बहुत ज्यादा अच्छे कर्म थे तो हमें सत्संग मिला सत्संग बहुत बड़ी चीज है सत्संग करने से बहुत बड़ी चीज है आदमी अकेला इतना ही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता कितना टाइम लग जाएगा एक चीज को जानने के लिए लेकिन सत्संग में तो बहुत सी बातें एक ही समय में मिल जाएंगी वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे सत्संग क्या करते और सत्संग की महिमा जानते थे अब देखो सत्संग में कितने लोग बैठे हैं अगर इनमें से कोई भक्ति करना चाहे कहीं अकेले में तो कहीं जंगल में कहीं पहाड़ों में कहीं एकांत स्थान में जाएगा तो अकेला एक ही करेगा अपने लिए करेगा वो इसीलिए उनके बोले सिद्ध है तन अपना साधु त्यार खंड पूरा सदगुरु चाण्य जो त्यार ब्रह्मण्ड सिद्ध महात्मा अपना ही तन त्यार सकते हैं संत गृहस्थ में आए गृहस्थ में आए हुए संतों ने जो उनका संग में रहा जो भी उनके आसपास या जिस प्रकार से भी उनकी सानिध्य मिला उन सभी जीवों को परले पार लगा दिया जो उनकी शरण में आ जाता है तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जीव को सुधारते हैं और सत्संग के माध्यम से उसको समय समय पर घड़त करते हैं गुरु शिष्य की घड़त करता है कुमार तो आपने नहीं देखा होगा बर्तन बनाता है मिट्टी के और मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को लेके आता है खान से पानी डाल के उसको अच्छी तरह से इतना उसको रोंदता है कि उसमें पूरा उसमें चिकनाई इतनी ला देता है फिर उसका बर्तन बनाता है बर्तन बनाते वक्त फिर क्या करता है थापी से उसको पीटता है लेकिन पीटते हुए क्या करता है हाथ अंदर रखता है तो संतों ने कही गुरु कुमार शिष्य कुंभ है कुंभ घड़े को कहते हैं गुरु कुमार शिष्य कुंभ है और घड़ का डेकोट जहाँ से टेढ़ा मेढा होता है ना वहाँ उसको पीट के एकदम गोड़ाई पे लता है मटके देखे हो कितने गोल होते हैं उनमें इतनी गोड़ाई नहीं होती लेकिन उस कच्ची मिट्टी का होता है तो कुमार उस थापी से उसमें जहां कहीं टेढ़ापन होता है सही करता है तो वह गुरु का रूप कुमार से तुलना की है कि गुरु उस कुमार की भांति है जो शिष्य की घड़त अंदर हाथ लगा के करता है उसके जीवन को संवारता है इसलिए कहीं कि ये खास मौका मिला तो मैं गुरु मिल गया गुरु सुनार की भांति है जो कच्चा सोने को लाके दे देते हो सोने की कीमत नहीं होती जब तक उसको बिट भट्टी में तपाता है उसमें खोटों को निकाल के बाहर कर देता है अग्नि में तपा के और जब वो पूरा का पूरा तपने के बाद तैयार हो जाता है फिर उसको मनचाए ढंग से उसके गहने घटता है उसकी भी घड़ाई होती है भट्टी में तपना और फिर गढ़ाई होना गुरु भी शिष्य के लिए ऐसा ही करता है लेकिन तपाता गुरु किस को कोई एक आध ऐसा जो जिनसे काम लेना होता है बाकी लोगों का सुधार हो जाता है सब बराबर नहीं हो सकते अब सुनार के पास होना जाने से उसकी कीमत बन जाती है कीमत कौन बनाता है सुनार बनाता है लेकिन भट्टी में तपाता है गुरु कहता है कि ताऊंगा तपाऊंगा और नक्शे तारूं खाल मेरा भक्त डिगे नहीं तो पलमा कर दू न्याल करने का मतलब है उसको मैं दौलत एक छिन्न में बख्श दूंगा कोई कमी नहीं है लेकिन उससे पहले क्या करूंगा ताऊंगा पहले ताने का मतलब अग्नि के अंदर तपा के उसको बिल्कुल तरल पदार्थ बना देगा तपाऊंगा फिर उसको और फिर इतना भी करूंगा जैसे नाखून से उसकी खाल को कुरचता है कहने का मतलब उसके ऊपर में कोई किसी प्रकार की भाई पाप कर्म के पर्दे नहीं रहने दूंगा नक्शे तारों का लेकिन उसमें अगर वो शिकायत करना शुरू कर दे शिष्य तो खत्म लेकिन जिसने अपना आपा सौंप दिया वो कभी शिकायत नहीं करता शिकायत क्या करेगा वो उसने जब अपना आपा सौंप दिया तो गुरु का हो गया इसीलिए कहते हो ना कि गुरु को तन मन धन सब कुछ दे दिया हमने सब कुछ देने का मतलब यही है कि गुरु की आज्ञा पे हम काम करेंगे तन से हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे गुरु की आज्ञा उसमें ढूंढेंगे कि गुरु ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार हम शरीर से काम करें इससे गलत काम ना हो कोई धन गलत काम में खर्च ना हो किसी में और मन से भी कोई बुरी बात ना सोचें गुरु उस लुहार की भांति है जो में लोहे को तपा के उसके अनेक प्रकार से उसके खोट निकाल देता है उस बढ़ई की भांति है जो जंगल की टेढ़ी मेढी लकड़ी को लेके और उसको काट के न सुंदर रूप दे देता है ये लकड़ी जंगल में किस पर, किस रूप में खड़ी थी यहां देखो क्या इसकी कीमत है यह गहन में ये लकड़ी काम आती है पूजा में ये लकड़ी काम आती है प्रभु की जो तुम मंदिर मस्जिदों में जो रखते हो पवित्र स्थानों पे इसी लकड़ी को इंसान के मरने पर भी ये लकड़ी काम आती है पर हित के लिए पेड़ हमारे लिए कितने अच्छे हैं लेकिन उस लकड़ी ने कीमत कब पाई जब उस लकड़ी ने अपना आपा सौंप दिया इसी प्रकार से जब गुरु को शिष्य अपना आपा सौंप देता है तो उसकी भी कीमत इसी तरह से गुरु बना देता है लेकिन कभी भी अगर कोई शिकायत करना शुरू कर दे लकड़ी कहें मुझे क्यों काटता है अगर वो लकड़ी नहीं कटना चाहेगी तो उसी रूप में पड़ेगी कि क्या उसका कोई कीमत थोड़ी पालेगी वो अब पान बनाने वाला तमोली में सुबह पान के पत्ते लेके जाता है और कोई गला सड़ा पत्ता वो कैंची से काट देता है अगर नहीं काटे तो वो उसकी बुराई जो है पूरे पत्ते को खराब कर देगी कुछ भी नहीं रहेगा लेकिन इसी प्रकार से गुरु भी जब शिष्य में देखता है कि उसमें पाप ने घर करना शुरू कर दिया तो उसे पनवाड़ी की तरह से उसकी बुराइयों को काट के बाहर फेंक देता है तो इसलिए कही वो बात कि ले ले शरण गुरु की भाई ये मौका खास लग गया फिर नहीं मिलना ये मौका अब जो मिला है ये बार बार नहीं आना ये तन तुमने दुर्लभ पाया कोटि जन्म जब भटका खाया या को मत खो छिन चेतो भक्ति कमाओ भक्ति करो तो गुरु की करना मार्ग शब्द गुरु से लेना शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे गुरु गुरु सब विश्व पुकारे ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਬਰਬਨੇ ਵਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਸਜਗਮਾਹੀ ਲੂਟਤ ਧਨ ਪਰ ਜਾਣਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਧਨ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਠਗ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਅਗਾਂ ਦੇਂਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਠਗਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਠਗਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਫੂ ਹਾਫੂ ਖਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਚੋਖਾ ਚੰਗਾ ਮਛਲੇ ਖੂਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੀ ਤਾਰਨਾ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਲੇ ਸ਼ਕਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਠਗਦੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਠਗਦੇ ਤਰੇ ਤਰੇ ਕੇ ਫਰੇਬ ਝੂਠ ਕਪਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਜੀਵ ਕੋ ਠਗਦੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਪਿਆਂਦੇ ਔਰ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋ ਤੇਰੀ ਦਸਾ ਚੜ ਗਈ ਤੇਰੇ ਸਰਪ ਯੋਗ ਸੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲ ਯੋਗ ਸੇ ਤੇਰੇ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਸੇ ਮੰਗਲਿਕ ਸੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਮੰਗਲਿਕ ਸੇ ਇਸਕੇ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਸਕੇ ਵਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਸਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਾਣੇ ਪੜੇਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ अरे मूर्ख आदमी परमात्मा ने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया कि जाओ तुम दुनिया में जाके दफ्तर खोल लेना और उन जीवों के खाते थारे तेमवा दिए उनको बताइयो तुम लेकिन इंसान के दिमाग में भ्रम डाल दिया निकालने बड़े मुश्किल है इसलिए संत भेजे कि उन दुनियादारों के भोड़े जीवों के भ्रम निकालो सच्चाई वाला रास्ता दिखाओ उनको ये पाखंड छुटवाओ लेकिन हम पाखंड के इतने आदी हो गए हाथ जोड़ के तब भी कहते हैं पढ़ लीजिए उठना पड़ेगा तो इसलिए बुल्ले शाह कहता है कि हिन्दुवान उठगदे प्यानदे और सच्ची गल कोई ना दसदा सच्ची बता दे उनकी दुकान टूट गई सच्ची कैसे बताएंगे वो अपू अपू खमदे अपो अपो खमदे लूट खसूट करके के इतने पैसे दे दे मैं इलाज कर दूंगा किसी में भूत किसी में प्रेत किसी में ठगा बग्गी तेरी ये बता दूँ, तेरा भविष्य बता दूँ, तेरा लगन मुहूर्त देख के कितने ब्याह शादी के लिए लगन मुहूर्त दिखाते हैं पंडित बताता उस दिन ब्याह कर लेना ये तुम्हारे वो वर मिल गए ये गण मिल गए ये मांगलिक नहीं है वो कर दिया ठीक आप भी जन्मपत्री ठाए फिरो कि जन्मपत्री लिखवाई थी उससे महीने पर चौन उनका पंचायत कर दे हंडो ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕੀ ਕਿ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਟਕੀ ਕਿ ਤੇ ਲੜਕਾ ਨਾਟਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘੜ ਗਏ ਉਹ ਬਾਜਗੇ ਨਰੇ ਨਰੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਹੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਆਪੂ ਆਪੂ ਕਾਂਦੇ ਜਿੱਤੇ ਦੇਖਾ ਚੋਖਾ ਸੰਗਾ ਮਸਲੇ ਖੂਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਬਾਤ ਬੜੀ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੇ ਬਤਾ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਗਿਆ तो बुल्ले से कहता है बुल्ले साहब ने की तारना जो खुद ही डूबे जाते हैं जो खुद ही डूब लग रहे हो दूसरे ने क्या तैरेगा जो खुद बंधा हुआ है दूसरे को क्या निर्बंध करेगा क्या खोलेगा जो खुद बुझा हुआ है दूसरे को क्या प्रकाशित करेगा जो खुद मांग के टुकड़ा खाता है दूसरे को क्या दान पुन दे देगा जिसकी खुद की मति मारी पड़ी है दूसरे का कैसे ज्ञान जगा देगा अरे उसके पास जाओ ना जो खुद जानता है जिसने सब अनुभव किए हैं उसके पास जाओ जिसकी जेब में कुछ है जिसने कमाई की है नाम की जिसने सेवा की है गुरु की जो नेक नियति से काम करता है जो समाज कल्याण के हित के जीवों के सुधार के जिसको नहीं है अपना लोभ लालच जिसने त्याग दिया है सब कुछ है। वो तुम्हारा कल्याण कर सकता है उसका स्वार्थ नहीं है निस्वार्थ भाव से तुम्हारा काम करेगा और जिस इंसान का स्वार्थ होता है बस देशी भाषा में कहते हैं लोभ लग लो गया बाणियां बाणिया और चूंडे लागे गा डटे तो डटे नीचा लिया जा गाय को हरी हरी घास देखे जाओ चढ़ती जाएगी आगे तक तो चली जाएगी और सेठ लोग व कारोबार में धन दिखे जाओ बढ़ादे चले जाएंगे नीचे मुड़ के को नहीं देखें वो डटें तो डटे नहीं चले जा देखे होंगे ना जिसके बाद धन का कोई और को नहीं फिर भी लागे रहेंगे चाहे गलत आओ चाहे सही आओ तो लो बुरी चीज़ है संतोष बहुत अच्छी चीज़ है अपने नेक नीति से कमाओ किसी का हटते नहीं किसी की चीज़ पर बुरी नीयत ना रखो अपनी मेहनत से हिम्मत से अपने सच्चे दिल से जो कमाते हो तुम्हारे उस चीज में चाहे थोड़ी भी है ना उसके अंदर बड़ी शक्ति है उसके अंदर प्यार है शांति है नहीं तो गलत तरीके से कमाओ गलत तरीके से जा भीगा या तो डॉक्टर ले लेगा या कोई चोर चोर लेगा या कोई लेके और अरनाट जाएगा लेके कहते नहीं इतने ठग लोग उसे ले लें जब तो हाथ जोड़ के पांव पकड़ के मैं मरण लग रहा मेरे को दे दे हाँ जब खुदा दिखे जब तो सब के मैं और फिर ले फिर तो करी लुगाए कि लत्ता फेंक दे तेरा मेरा मेड़ है को नहीं मतन जानता है कौन क्यों के वो बहुत उन लोगों के दिल में पाप छिपया होता है संत कोमल हृदय होते हैं वो किसी के अंदर चतुराई छड़ कपट नहीं देखते आप कहते हो ठगे जाते हैं आप आप भी ठगे जाओ हम हम तो सब तो पहले ठगे जावा कपटी आदमी तो कपट लेके आएगा हमारे पास हम निष्कपट है कपट नहीं देखते उसका हमने तो थोड़ा सा भी कोई देखा हम उसी से खुश हो जाएंगे हाँ बहुत अच्छा है, इंसान अच्छा आ जा भाई लेकिन हम क्यों देखा हम उसकी कपट की ओर नहीं देखते हमारा नज़रिया किसी की बुराई देखने के लिए नहीं है हम तो बुरे को भी उसी तरह छाती को लगाएंगे जिस तरह सुनार खोटे से उन्होंने बिठा के धर ले है क्यों कहते मिलावट करनी पड़े मिलाना पड़े वो समझ गए ना फेंकता नहीं उसको और हम सोचते हैं कि अगर बुरा इंसान भी हमारे पास आए क्या पता एक दिन वो ठीक हो जाएगा हमारे पास तो आते ही वो मिस्त्री बात तो टूटी चीज हैं ना ठीक होना तो परमात्मा का जो संदेश लेके आते हैं दुनिया में संत लोग वो दुखी जीवों को भटके हुए जीवों को पापियों को दुष्टों को सबको गले लगाते हैं ताकि वो सुधर जाए परंतु जो आदमी कपटी होगा वो कपट दिल में छिपाए बैठा है वो तो अपना दाव चलाने के लिए आया है संत बेचारे शील स्वभाव से चलो भाई कि वो नहीं देखते इसका कपट है इसलिए हम कहते हैं कि दृष्टि दोष ना लेके आओ किसी का भी दोष ना देखो तुम लोग जो करेगा वो भर लेगा एक आदमी कपट नहीं करता दूसरा कपटी आदमी उसके साथ कपट करता है मैं कहता हूं वो अपने आप भर ले रहा तुम शांति रख के देख लेना मैंने देखा है एक मैं अब गलत कहूं था गलत तरीके से आया गलत तरीके जावा क्यों वो बोल नहीं सकता मान लिया कि मैंने गलत तरीके से पैसे कमा रखे मेरे बाप को उठा के ले जाएगा तो सरकार तो डरता हो कि जो थोड़े कहगा मेरे ले के गए ना वो मुकदमा करे ना किसी ने बताओ क्यों वो कहगा तने के वो जो जिस तरीके से कमा रखे बताऊँ के कह कहेंदे कहगा ले जा भाई ले जा क्यों गलत है वो भी गलत है वो भी गलत है समझ गए ना लेकिन किसी का अगर मेहनत का तुम हट लोगे ना वो मार देगा तुम्हें जिसने अपने मन से तुम्हें नहीं दिया है वो मार देगा तुम्हें क्यों तुमने कपट से लिया धोखे से लिया है छड़ किया है छड़ कपट बेईमानी ये चीज़ें इंसान को ऐसा मारती हैं और उनको चोट गुप्त लगती है देर लग सकती है अंधेर नहीं न्याय होता है उसकी दरगाह में लेख लिखे जाते हैं इसलिए तुम अच्छे लेख लिखो वर्तमान काल में लिखो प्रभु की भक्ति किया करो नाम का सुमरण किया करो अभ्यास किया करो दूसरे की भलाई के काम किया करो किसी का दिल ना दुखाया करो मीठे वचन बोला करो मीठा वचन बोलना एक ऐसा मंत्र है सबको अपना मित्र बना लेगा किसी से बुरा बोलोगे क्या लोगे चार दिन की जिंदगी है इसमें कुछ नेक काम करके जाओ पर उन्होंने आपको इसलिए भेजा हंसते हुए रहो और हंसते हंसाओ दूसरों को भी दुख दूर करो उनका जैसे भी दुख दूर कर सकते हो उनका दुख दूर करो एक आदमी की भी पीड़ा दुखी दुख दूर कर दोगे वो तुम्हें मन से ऐसा आशीर्वाद देगा ऐसा शुभ बोलेगा कि परमात्मा तेरा भला करे आपको नहीं पता लगे उसने आपको कितनी बड़ी चीज़ दे दी है उसने जो चीज़ दी है वो प्रभु की दरबार से मंजूर होके आई है क्योंकि वो सबका हित चाहता है सबका भला करता है इसलिए जो ऐसे रास्ते पे चलता है भक्ति उससे अलग चीज़ नहीं है जो इस प्रकार का हृदय रखता है शुद्ध हृदय पवित्र हृदय शुद्ध विचार नेक काम करता है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है और ऐसा अगर तुम्हें कोई मिल जाए प्रेमी तो उसका तो दो मिनट का साथ भी आपके जीवन को संवार देगा उनके तो दर्शन करने से ही तुम्हें शांति मिल जाएगी कितने जन्मों के पाप कट जाएंगे तुम आप भी वो काम कर सकते हो वो ताकत प्रभु के नाम में है वो नाम भक्ति इसलिए मैं कहता हूं कि नाम भक्ति किया करो नाम का सुमन किया करो ध्यान में बैठ के उसका अभ्यास किया करो और एकांक एकाग्र हो होकर एकांत में अपनी अंदर में लो लगाया करो जब तुम्हारे अंतर के सारे मैल हृदय के कपट दोष निकल जाएंगे उनसे मुक्त हो जाओगे और पवित्र हृदय पवित्र मन और शुद्ध आचरण और शुद्ध जीवन आपका बन जाएगा तो समझो कि आपने जो जिस काम के लिए आए थे वो काम कर लिया नहीं तो इस दुनिया में क्यों आए थे क्या करना ये भी बात बिचारी है तारा चंद्रह है चोरों के समी क्या साहूकारी संग इंसान को बहुत बिगाड़ता है दुष्टों का संग छोड़ दिया दुष्ट आदमी जो मिलता है ना उसका संग छोड़ दो ये तो कभी फिर सच बता दूंगा आदमी किस प्रकार के होते हैं? वो धीरे धीरे बढ़ते तुम्हारे वो होते किसी के नहीं वो बात एकांत में करते हैं क्यों करते हैं अगर किसी बात में कोई वो ही नहीं वो सबके सामने करेगा अगर जो तुम्हारी बुराई करता है तो और किसी की बुराई तुम्हारे सामने करता है तुम्हारी बुराई भी दूर जाके करेगा भला नहीं है वो ऐसे आदमी से बच के रहना चाहिए जो किसी की निंदा और बुराई करता है इसीलिए नेक इंसानों का जो संग कर लेता है तो ही उसका जीवन समर जाएगा अरे गुलाब के फूल जा खिले होंगे हाथ लगा दोगे तो भी हाथों में खुशबू आ जाएगी दूर से ही खुशबू आ जाएगी लेकिन गंदी नाली के पास जाओगे बदबू दूर से ही आएगी लेकिन गंदी नाली के पास रहते रहते काफी दिन हो जाएंगे बदबू नहीं आएगी फिर इसीलिए गंदे का संग करते करते तुम भी गंदे हो जाओगे ना तुम्हें भी बदबू नहीं आएगी तो बुरे आदमी संग के नेक का संग इंसानों का संग संतों का संग मिल जाए तो, तो बड़ा भागी जीव है कल को मालिक की कृपा से जो प्रोग्राम होगा आपको पता ही है आगे से आगे आपको मिलते रहेंगे आप मिलना चाहो फिर आ जाना तैयार मिलेंगे हम भी हैं दूर से ही हाथ फैला के मिलेंगे आओ आओ हमारा हृदय खुला है दरवाजे बंद नहीं करते हम हमेशा खुले रखते हैं आप भी खोल दिल के दरवाजे खोल के मिला करो सबके साथ शुद्ध हृदय से खुश हो के दूसरे को भी खुशी दो तुम भी खुश रहो जीवन का ये फार्मूला सीख जाओ टोटा नफा आनी जानी चीज़ें उनके तरफ क्या करना टाइम पे मेहनत करो कि कमी रहेगी नहीं उस मालिक पर यकीन और विश्वास रखो कि वो किसी को भूखा नहीं सोने देता उस पत्थर में रहने वाले कीड़ों को भी देता है सबको बहुत बहुत आशीर्वाद खुश रहो खूब सत्संग किया करो सुमण किया करो इकट्ठे होया करो तुम तो एक एक घर में पड़े रहते हो सुस्ती में कभी उठ के नहीं आते आज आगे तो बारह महीने बारह महीना में एक दिन हमारे पास आते हो इकट्ठे कभी होते नहीं हो सत्संग में तो प्यार होना चाहिए कि चलो फालतू बात करेंगे और उठ पटांग की बात होंगी इससे अच्छा चलो पाँच दस सत्संगी बैठ के बाणी पढ़ेंगे सत्संग सुनेंगे टीवी में लगा लो में देख लिया करो किताबें हैं शब्द गाया करो बड़ा आनंद मिलेगा समय का सदुपयोग क्या करो ये नहीं कि समय बर्बाद कर दो जीवन को बर्बाद ना करो बड़ा कीमती है एक एक पल एक एक लाख रुपए की है तुम जीवन को बर्बाद करते हो देवता कहते हैं कि हमें एक बार मिल जाए इंसान को मिल गया बर्बाद कर रहे हैं तो भाई सबको बहुत बहुत आशीर्वाद <Old> आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले